हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, आपको याद है? जी बिल्कुल, आपने पढ़ा था रिसोर्स और डेवलपमेंट। आपने उसमें चैप्टर में डिस्कस किया था कि रिसोर्स किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल बनते हैं, कैसे आप उनको यूज़फुल बनाते हैं, कैसे आप उनको यूज़ करते हैं और किस तरीके से उससे आपका डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो आपके एज अ रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले आपके पास है एक डेफिनेशन है, जिससे कि आप समझ सकते हैं या आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे एक वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट आपके कनेक्टेड हैं एक साथ। ओके, तो आप देखेंगे, वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, लिचन्स टू बेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू वेल्स। दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमिनेंस बायोडाइवर्सिटी। तो आपको क्या समझ में आया, ऐसे एक बायोस्फेयर है आपके पास जिसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं। आप ऊपर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ओके, आपके पास फॉरेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिचन्स हैं, एनिमल्स हैं, ओके, ट्रीज हैं, तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमंस हैं, सब एक साथ रह रहे हैं एक ही बायोस्फेयर में। ओके, और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब लोग, ठीक है। अब देखेंगे हम एक थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। अब वो क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है हमारा? ओके, वी ह्यूमन बीइंग्स along with all living organisms form a complex web of ecological system. अब उसमें क्या होता है, in which we are only a part and very much dependent on the system for our own existence. जिसमें कि हम क्या हैं, एक दूसरे से इसमें connected हैं organism से, और बहुत ज़्यादा तरीके से हम इन सारे चीज़ों पर एक तरीके से dependent हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीद, अंडरस्टैंड, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से एक ही जगह पे सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ओके, वाटर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमंस हो गए, सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट हैं। क्लियर? अब देखेंगे बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं आप। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म ऑफ फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंटशिप। अब इसका मतलब ये है कि आप एक ही जगह पे इतनी सारे डिफरेंट आपके जो स्पीसीज़ हैं रह रहे हैं, डिफरेंट तो हैं बहुत ज़्यादा, एक तरीके से डाइवर्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे कि वो एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, और उस तरीके से एक्सचेंज करने से वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बना देते हैं एक दूसरे के साथ। नीचे आप पिक्चर से भी एक थोड़ा सा आइडिया समझ सकते हैं किस तरीके से पूरे प्लेनेट में ऑल द लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब एक साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो आपस में शेयर करते हैं, जिनसे कि उसके बीच में एक क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है इंटरडिपेंडेंसीज का। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से फ्लोरा और फौना इंडिया में अवेलेबल है, क्या उनकी वेराइटीज़ है। ओके, चलिए देखते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया presents a large sample of biodiversity. It is one of the 17 mega diverse countries in the world. Okay, तो आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी हमारे पास। आप देखेंगे इसमें और क्या डिटेल्स हमारे पास। It is home to 7.6% of all mammals, 12.6% of all birds, 6.2% of all reptiles, 4.6% of all amphibians. और इसमें एक चीज़ और है, 33% ऑफ प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है जो इंडिया से ही रिलेटेड है। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना
and 47,000 species of flora are found in this country so far. ओके इतनी आपके पास स्पीसीज हैं फोना की और फ्लोरा की. अब फोना फ्लोरा आपको आइडिया है ना क्या चीज़ें होती है, ये बहुत बेसिक है, आपने एट्थ में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा. फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, फ्लोरास का मतलब होता है जो भी आपके प्लांट्स रिलेटेड होते हैं, फ्लावर्स से रिलेटेड होते हैं, वो सब आपके फ्लोरा में आते हैं. और फोना में आपके आते हैं जितने भी आपके एनिमल्स हो गए, सब इसमें आते हैं. ओके लेट्स गो फॉरवर्ड. ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर इंडेमिक. इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिजीनियस टू इंडिया, जो 15,000 हैं वो इंडिया के हैं. टोटल तो आपके पास 47,000 है, बट उस 47,000 में से 15,000 जो हैं वो इंडिया के हैं. ओके बाकी आपके पास लास्ट में एक डिटेल बचता है यहाँ पे, इंडिया हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड. ओके बहुत ज़्यादा है ये. ओके एस्टिमेटेड टू 1.6 मिलियन, इतनी आपके पास स्पीसीज हैं. नाउ यू हैव एक्टिविटी टाइम विच यू हैव टू फील. सो आई मेंशन हियर टाइम टू फील, यू हैव टू फील दैट इन योर रीजन देर आर सम स्टोरीज ऑफ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. कुछ ना कुछ ऐसी आपके पास एक आपसी रिलेशन की एक कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं आपके इलाके में जो कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में घटी होती हैं. एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को आप सर्च करेंगे, उसी तरीके से अगर आपको और भी मूवमेंट्स मिलते हैं ऐसे आप स्टोरीज को आप लिखेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है. ओके आगे चलेंगे हम. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज. अब टाइप ऑफ स्पीसीज को कौन कौन सी होती हैं, कैसे उनको डिवाइड किया गया कैटेगरीज में, लेट्स सी. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक कैटेगरीज बनाई है कैसे देखेंगे आप. हैव गिवन अस अ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्रेट दे आर फेसिंग ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन एंड मैनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर्स कॉजिंग देयर लॉस. तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लेकर डिसाइड किया गया है कि स्पीसीज कितनी टाइप की होती है, दूसरी बात उनको कितना खतरा है, जो उनको थ्रेट है ह्यूमन बींग से उसके हिसाब से, और बाकी जो उनका नुकसान किया जा रहा है, जो स्पेशल फैक्टर्स हैं किस कारण से उनका लॉस हो रहा है, इसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है. तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है नॉर्मल स्पीसीज, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा. आप नीचे देख सकते हैं ये आपको जनरली मिलते हैं, हर जगह आपको पाए जाते हैं और ये इनकी पॉपुलेशन भी बहुत है, तो इसलिए इनको आपको नॉर्मल स्पीसीज में रखा गया है. अब है आपके पास इंडेंजर्ड स्पीसीज. अब ये क्या होते हैं इनको आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आएगा. दीज आर द स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ये ख़त्म होने के कगार पे हैं एंड आर डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इफ दे आर इफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिक्लाइन कंटिन्यू. अगर जो फैक्टर्स हैं जो इनको डिक्लाइन करे जा रहे हैं अगर वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर्स हैं आपके पास, ब्लैकबर्ग है, लॉन्ग टेल मकैक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनसे आप समझ सकते हैं. आगे देखते हैं हम वल्नरेबल स्पीसीज. अब ये क्या होती हैं वल्नरेबल स्पीसीज, देयर पॉपुलेशन इज स्टिल अबाउंडेंट बट, इनकी स्पीसीज जो है इसलिए काफ़ी सारे हैं अभी, बट देयर हैबिटेट इज़ एडवर्सली इफेक्टेड. अब इनकी जो हैबिटेट मतलब जहाँ ये रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है उस इलाके को. ओके दे मे बिकम इंडेंजर्ड इफ देयर हैबिटेट कंटिन्यूज टू बी अफेक्टेड, अगर इनके हैबिटेट को इनके जो जीने का जो स्थान है जो इनके रहने का जगह है उसको अगर कॉन्टिन्यूसली उसको छेड़ा जाएगा प्रभाव डाला जाएगा तो ये भी एक तरीके से ये जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं ये भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे. तो उसका एग्जाम्पल आपके पास नीचे है ब्लू शीप एंड कंगेटिक डॉल्फिन. क्लियर अब आके देखेंगे आप रेयर स्पीसीज. अब रेयर स्पीसीज क्या होती हैं, स्पीसीज विद द स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी. अब ऐसे स्पीसीज जो बहुत कम अमाउंट में है आपके पास, बहुत कम है उनकी पॉपुलेशन,
अब वो क्या कर सकते, वो क्या है, इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर अगर उनको जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट डाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव इफेक्ट चलते रहे तो ये बहुत जल्दी जो रेयर स्पीसीज हैं कहाँ चली जाएगी। रेयर का ऐसा मतलब होता है, आप समझेंगे, कि जो बहुत कम है आपके पास, तभी तो उसे रेयर कहा गया है, और कम है और ऊपर से उसको नेगेटिव फैक्टर होगा तो कहाँ चला जाएगा, इंडेंजर्ड या वल्नरेबल में। क्लियर? तो उसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, आप सारे पिक्चर्स में भी इनको देख सकते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं देखेंगे, ए स्पीसीज विच फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एन एंडेमिक स्पीसीज। अब उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, अंडमान टील, निकोबार पिजन, ओके, अंडमान वाइल्ड पेक, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। आपकी जो बफेलो है अरुणाचल प्रदेश में, उनको मिथुन कहा जाता है वहाँ पे, उनके उनके सींग जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब ये क्या होती हैं, इनको आप थोड़ा सा समझेंगे। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं किसी जगह से, पर्टिकुलर जगह पे जहाँ उनको ढूंढा गया, या किसी एरिया से, या इवन किसी कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट से। उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डग। तो ये दो ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर किसी एरिया से वो ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज में रखा गया है। अब इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा और फौना के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है? तो हम कॉजेज़ देखेंगे क्विकली। मैंने आपको ये सारा पहले भी बताया था, आपने जब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था, वैसे ही आपके इस तरीके से इसमें भी आप देखेंगे, वही आधे से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला देखते हैं, रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो भी हम रिसोर्स ले रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फॉरेस्ट नेचर यहीं से आ रहा है, और ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तो ऑब्वियस है उसका डिप्लीशन होगा। सेकेंड इज इन कॉलोनियल पीरियड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। अब क्या हुआ कि कॉलोनियल पीरियड जब था, उनको रिसोर्स निकालना था अपनी कंट्री, वो भेजते थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो जब भेजना होता था तो उसके लिए रेलवेज चाहिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर रिसोर्स चाहिए तो एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, कमर्शियली उसको यूज़ करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, तो ये सब उन्होंने किया वहाँ पर। इसी वजह से क्या हुआ, आपके जो नेचर में फ्लोरा और फौना था उसको डिप्लीशन होना ही था। ओके, उसके बाद क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था और सब कुछ, सब लोग उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही करते थे, तो उसको और बढ़ाया गया। और दूसरे उसके बाद है आपके पास प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंगल कमर्शियल जो कोई क्रॉप है उसको जब बड़े रूप में उगाया जाता है तो उसे प्लांटेशन कहते हैं। अब जब एक ही चीज़ को आप ज़्यादा उगा, क्योंकि तो बाकी चीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म होने लग जाएंगे ना, दूसरी चीज़ तो आप उगा ही नहीं रहे हो। क्लियर? अब है अगला, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आपको पता है जैसे कंट्री बढ़ती है तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं बहुत बड़े बड़े, उससे क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए बड़े रिसोर्स चाहिए। क्लियर? अब है आपके पास माइनिंग, ग्रेजिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, अनइक्वल एक्सेस, अनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि बेहिसाब इसका कंजप्शन होना, हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर में, बेहिसाब उसकी शेयरिंग हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोगों की है जो उसके वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है 15th पॉइंट का। उसके बाद है 16th पॉइंट आपके पास, ओवर पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है? तो आपको इसके जो कॉज ऑफ डिप्लीशन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिसोर्स डिप्लीशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से रिसोर्स को डिप्लीशन का रीज़न बनती हैं, क्योंकि हम खुद भी एक रिसोर्स हैं और ह्यूमन ही उसको क्या करता है, रिसोर्स को यूजेबल बनाता है, और जब यूजेबल बनाता है तो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं डिप्लीशन होगा, ज़्यादा यूज़ करेगा, यही तो होगा, और क्या होगा। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फोडर, वाटर एंड अदर बेसिक एसेंशियल नीड्स। आपने देखा होगा
विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में वुमेंस ही ये सारा काम करती हैं. ओके, एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड द ड्रॉजरी ऑफ वुमेन इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज. आपने देखा होगा गाँव में, पहाड़ों में, रूरल एरियाज़ में ये सब होता है. फ्यूल कलेक्शन होता है, लकड़ियों के लिए लोग जाते हैं, पानी के लिए लोग जाते हैं. तो उससे क्या होता है, ड्रॉजरी का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वर्क जो वुमेंस को करना पड़ता है. जब नज़दीक कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा. तो ये जो ड्रॉजरी ऑफ वुमेंस होता है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का लॉस है और नेचर का भी लॉस है. वो जितना दूर जाएगा उतना वो ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि उनको बार बार नहीं जाना पड़े वहाँ पे. क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अगला पॉइंट देखते हैं. दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस. क्लियर? जो मैंने बताया कि अगर ज़्यादा जाना पड़ेगा दूर, तो घर भी क्या हो जाएगा, बच्चे भी घर पे आपके नेग्लिजेंस, मतलब वो उनको देख नहीं पाएंगे. और सोशल आस्पेक्ट्स भी हैं कि इतनी दूर तक वो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इम्पैक्ट करता है, जिससे उनको इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, अब आगे देखें अगला पॉइंट. द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्लूडेड फ्लड. तो ये सारे इम्पैक्ट हैं उसके जो आते हैं अगर आप नेचर को डिग्रेड करोगे. तो ये सारे चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं. फ्लड आएगा, ड्रॉट पड़ेगा डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण, तो ये सब होगा. अगला पॉइंट है, पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. क्लियर? आगे चलते हैं हम. अब अगला पॉइंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. तो ऐसे जो कॉजेज हैं, उससे मैंने अभी बोला कि बायोलॉजिकली इशूज़ नहीं है, आपके कल्चरली कुछ ऐसे इशूज़ भी हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं. उसमें क्या है, कुछ ऐसे आपके कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे आपके लोग हैं जो फॉरेस्ट पे डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए. उनका कल्चर, उनकी हर चीज़ फॉरेस्ट पे डिपेंड होता है. पर जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो उनकी जो कल्चर है वो क्या हो गया, वो लोग कहाँ चले गए, वो कम्युनिटी कहाँ चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. क्लियर? तो ये चीज़ आप अभी समझे. अब देखेंगे वाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व करने की ज़रूरत क्या हमें. ठीक है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक आप दोबारा से देखेंगे. एज वी नो दैट नेचर प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक नीड्स विच आर नेसेसरी टू अस, बट वी आर ओवर एक्सप्लोइटिंग और ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज. क्लियर? If we go on over exploiting of the nature, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. क्लियर? सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द नेचर. हेयर आर सम नीड्स. अब वो नीड्स क्या हैं, क्यों कंजर्व करना चाहिए? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस और सपोर्टिंग लाइफ. एंड द नेक्स्ट इज़ टू प्रिजर्व द नेचर रिसोर्सेज. एंड द नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इनकी बेसिक नीड्स हैं जो आपको नेचर रिसोर्स को कंजर्व करने की इंपॉर्टेंस रखते हैं. अब वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वो क्या है, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, इसमें बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे जल्दी से. इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको ध्यान रखेंगे. सबसे पहले है आपके पास द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि आपका 1972 में इम्प्लीमेंटेड है, जिससे कि आपको क्या मिला है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ उनको बैन किया गया है हंटिंग के लिए, पोचिंग के लिए. उनके हैबिटेट को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है. उनके जो एरियाज हैं उनको रिजर्व किया गया है, और उनके ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको आप व्यापार नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगला पॉइंट है, सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जैसे कि आपको पता ही है आपके एरिया में क्या है, राजाजी नेशनल पार्क है. अब उसको कंजर्व करने के लिए क्या गया है, उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है 2015 में. ठीक है ना, अब आपके पास अगला पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स. मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि सेंट्रल और स्टेट सब मिलकर क्या स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ही के एरिया में, मैंने भी बताया आपको अभी कि टाइगर रिजर्व उसको बना दिया गया है, जो कि पहले आपके पास क्या था, राजा नेशनल पार्क था, उसको रिजर्व बना दिया गया. चलिए अब आप ये देखेंगे, आपके पास टाइगर, राजा जी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे,
ओके, और उसका ईयर आप देखेंगे एस्टैब्लिश 2015, और उसके पास एरिया आपके पास कितना है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये आपके पास इसका एरिया आ गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, क्लियर। कितना? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा रिजर्व फॉरेस्ट, अब है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट विथ सम अमाउंट ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। उसमें कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं, पर अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें उसमें ज़्यादा होती है, क्लियर। वेयर द हैबिटेट एंड रेजिडेंट स्पीसीज आर लीगली अकॉर्डेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर डिप्लीशन, उनको बचाने के लिए कि उनका डिप्लीशन ना हो आगे, उसको वहाँ पे लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इन द ब्रिटिश इंडिया एंड वर रिट्रेंड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो एक्ट था उसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, और उसके बाद भी जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी इसको आगे कंटिन्यू किया गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है द 17% इफ फॉरेस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कॉल्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब जो आपके रिजर्व और प्रोटेक्टेड में नहीं आते हैं जो 17% फॉरेस्ट है वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं। अब अनक्लासिफाइड क्या होते हैं? दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। अब ऐसे कुछ फॉरेस्ट हैं जो सरकार के भी है और किसी इंडिविजुअल्स के भी है। फॉरेस्ट हैं, उन्होंने आपने छोड़ दिए हैं, अब वो फॉरेस्ट बने हुए, उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि वो कौन से फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए उनको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में रखा जाता है। जैसे कि आपके पास नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। अब आगे देखेंगे हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कम्युनिटी और कंजर्वेशन क्या चीज़ हैं, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे आप, क्योंकि कम्युनिटी से ही कंजर्वेशन है, क्लियर। अब दोनों कैसे चलते हैं एक साथ वो हम समझेंगे। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. अब ये है कि कुछ communities क्या हैं, कुछ लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर हम conserve करेंगे nature को तो ही जाके वो आगे अपने livelihood को long term तक रख सकते हैं, उनके आने वाली जो generation है वो भी उसका use कर सकती है। तो आपस में क्या है, दोनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं किस तरीके से आपका कंजर्व किया जाए, उनके हैबिटेट्स को, नेचर को किस तरीके से आगे कंटिन्यू बनाया जाए। चलिए अब एग्जांपल देखेंगे सिरिस्का टाइगर रिजर्व का, जहाँ पे जो राजस्थान का है और वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या है, खुद ही विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, खुद ही उन्होंने उनके हैबिटेट्स को, जो विलेजर्स हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। वो गवर्नमेंट के साथ एक इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, और वो गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर क्या करते हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का, जहाँ पे विलेजर्स ने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया खुद प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे विलेजर्स के लोगों ने क्या किया, अपनी जो ज़मीनें थी जो कि आपका 12 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट था उसको एक डिक्लेयर किया और उसका खुद का नाम रखा उन्होंने, भैरव देव ताकव सेंचुरी। अब ये सेंचुरी को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में सेंचुरी रखा है, जिसके लिए उन्होंने खुद ही रूल्स बनाए हैं, ओके, बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं और उसके लिए वो खड़े होते हैं, और उसमें सारी हंटिंग पोर्चिंग आपका कोई भी इंटरवेंशन आप उसमें नहीं कर सकते उस एरिया में। तो ये भी एक कम्युनिटी क्या है, आपका कंजर्वेशन में एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, अब और किस तरीके से आपकी कम्युनिटी आपका कंजर्वेशन में इफेक्ट आती है देखेंगे। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व सिवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड स्केयर्ड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट
और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। तो क्या है कि कुछ जगह पे क्या होता है, लोग पेड़ों की, प्लांट्स की, किसी स्पेशल किसी ट्रीज़ की वो लोग पूजा करते हैं, उनका बिलीव होता है कि इसमें भगवान का वास है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा पीपल के कई जगह पे पूजा की जाती है, तो उसमें क्या क्या सोचते हैं, वो गॉड और गॉडेसेस का एक रूप देखते हैं वो। इससे भी क्या होता है कि एक तरीके से कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि आपके वर्जिन फॉरेस्ट, मतलब जिनको कोई भी इंसान ने अभी तक टच नहीं किया है, क्योंकि उनका बिलीव होता है कि वहाँ पे भगवान का वास है, तो इस वजह से वहाँ पे उन कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, कोई भी इंटरफेरेंस वो नहीं करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्रीज एंड द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द तामरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ भी जब वेडिंग होती है तो हम क्या करते हैं उस टाइम, केले के पत्ते यूज़ करते हैं, ओके, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, जब आप हवन करते हैं तो आप उसमें आम की लकड़ियों का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या एक बिलीव्स हैं, इससे भी एक तरीके से क्या होता है, कंजर्व होता है फॉरेस्ट। अगर आप उन फॉरेस्ट में सोचते हैं कि भगवान का रूप है तो उनको भी कोई इफेक्ट नहीं डाला जाता है। चलिए अब देखेंगे हम किस तरीके से सोसाइटी भी आपकी एक तरीके से कंजर्वेशन को फॉलो करती है, क्या उसके रीजंस होते हैं। अब देखो उसका सिंपल रीज़न होता है कल्चरल और उनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, अभी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया है। आपके कल्चर में है कि आप पीपल की पूजा करेंगे, आम की पूजा करेंगे, केले की पूजा करेंगे, केले के पेड़ की पूजा करेंगे, तो आप उसको काटोगे थोड़ी, क्योंकि आपको उसमें पहले से आपके कल्चर में उसको पूजा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, तो यही चीज़ें वो बता रहा है। तो कई जगह पे माउंटेंस होते हैं, कई जगह पे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनको, और इवन कई जगह पे एनिमल्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका बिलीफ होता है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस तरीके से भी एक तरीके से कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अब उसके एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक डक, चिंकारा जिसे आप कहते हैं, नीलगाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीजरल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। ओके, अगर आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे आपको आम देखने को मिलेगा, पीकॉक्स आपको छत में दिखेंगे, ठीक है, उनको ब्लैक बर्ग होंगे जो उनके मोहल्ले में घूमते हुए आपको दिखेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि उन पे गॉड या गॉडेसेस का बिलीव है, या उनके ये एक अपने उनके सोसाइटी के पार्ट हैं, तो उनके बिलीव ऐसा है, उनका कल्चर ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है, जिस वजह से ये इन सबको वो कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर देते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। क्लियर। अब आगे चलेंगे हम, अब आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे कि किस तरीके से वुमेन्स ने पेड़ को पकड़ा हुआ है, तो वो क्यों पकड़ा हुआ है, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि ये एक मूवमेंट है जिसको आपने अपने उत्तराखंड में सुना होगा, क्या है वो, चिपको मूवमेंट। ओके, तो ये फेमस चिपको मूवमेंट है, ओके, जिसका आपको मैंने एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसको रिसर्च करके आएंगे। थोड़ा सा डिटेल ये बता देता हूँ कि हिमालयाज में हमारा ये आपका फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था, जिसमें कि वुमेन्स ने क्या किया था, ट्रीज़ को आपका हक करके पकड़ा हुआ था, जिससे कि उनको काटने से रोका जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है बाय कम्युनिटी, इसके लिए इस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो हुए, आप उनको देख सकते हैं, सिटीजन्स और ग्रुप ऑफ पीपल ने जब बीच बचाओ आंदोलन चलाया, उसमें आपका नवधान्या भी आता है, जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को, प्रोडक्शन को सपोर्ट किया। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, बिना केमिकल के उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया, बिना, मेन उनका यही फोकस था कि बिना आपके जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं उनको यूज़ करके फार्मिंग की जाए, किस तरीके से उसको इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तो ये इनका मेन काम था। ठीक है ना, अब है आपके पास अगला पॉइंट, दैट इज़ JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसका क्या काम होता है, चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि क्या है ये। ठीक है, JFM प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो JFM होता है वो क्या करता है, आपके लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है उनको दोबारा से रिस्टोर करने का काम करता है, किस किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम किया जा सके, फॉरेस्ट डिग्रेड होने से बचाया जा सके। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल
existence since 1988 when the state of Orissa passed the first resolution of joint forest management. JFM depends on the formation of local villages institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. तो आपको ये भी पता होगा कि forest department होता है जो forest के लिए काम करता है और वो क्या करता है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों के जो आपके जो पंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो वार्ड होते हैं, उन सब के साथ मिलकर काम करते हैं किस तरीके से वो आपके नेचर को बिना हार्म करे, क्योंकि जो विलेजेस होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, फॉरेस्ट से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो आप नेचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। अब देखेंगे, इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू आपको बेनिफिट मिलता है, जिससे कि वो कम्युनिटी साथ में एक साथ उसको रिस्टोर कर सके। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर आप किसी न किसी तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्वमेंट कर सकें कंजर्वेशन में, रिस्टोरेशन में, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोग ही जो हैं जो डायरेक्टली रिसोर्सेज से कनेक्टेड होते हैं। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंट्रल स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है, जो पावरफुल जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कम्युनिटीज से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनसे नहीं पूछे जाते हैं, क्लियर। तो उसमें अभी टाइम लगेगा, जब तक कि आपके पास अथॉरिटी ना हो, कुछ ऐसे लॉज ना बने जिससे कि लोग खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना सकें। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। बस कुछ ऐसे होने चाहिए कि जो आपके जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कुछ ऐसा स्टेप होने चाहिए जिससे कि पीपल आपके क्या हो, फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकली उनको अवार्ड मिल सके। कुछ ऐसा एक स्टेप होने चाहिए कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को, नेचर को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, रिस्टोर करें। कुछ ऐसे ज़रूर उनके पास कुछ ऐसे अवार्ड्स मिलने चाहिए लोगों को, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में। तो आपने इतना पढ़ा इस चैप्टर में, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच।